तो वही चलिए करते हैं आज एक ब्लॉग की स्टार्टिंग। और ब्लॉग की स्टार्टिंग करने से पहले आज है कुछ खास, आज है कुछ स्पेशल खास डे। तो भाई आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, आज हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 9 साल 3 मार्च। तो भाई अरे इधर तो आ जाओ, इधर आके थैंक यू बोल दो भाई, बोलो थैंक यू। भाई सब कुछ अपने आप बोल लेती है। आज मनाएंगे बड़े धूमधाम से एनिवर्सरी। और कल मम्मी ने हमारी एनिवर्सरी के लिए स्पेशल अपने हाथों से बनाया है भाई घर में पनीर। तो उस पनीर से काफी सारी चीजें बनेंगी, तो हम वो आपको जरूर दिखाएंगे। और उसमें एक और खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, वो भी उससे भी हम आपको मिलाएंगे। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहे, काफी मजे आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कल करते हैं नए व्लॉग की स्टार्टिंग आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सुमन कुनबा व्लॉग। तो आज आ गए हैं भाई सुमन जी यानी कि मम्मी किचन में। तो भाई जैसा कि आप कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा था कि भैया आप घर पे पनीर कैसे निकालते हो, तो भाई वो पनीर निकालते हैं मम्मी। तो देखिए आज मम्मी कैसे निकालते हैं। तो ये है भाई फुल क्रीम 2 किलो दूध। अच्छा ठीक है मम्मी। और इसको गर्म करके थोड़ा सा ठंडा कर लो। अच्छा पहले फुल गरम करो। फुल गरम करो और मलाई मत आने दो। हाँ। थोड़ा सा घुमा दो उसे बीच में। और इसे थोड़ा सा ठंडा कर दो। कितना कम ठंडा मम्मी? बस थोड़ी सी देर, 2-4 मिनट। हाँ ठीक है। और ये आप क्या ले रखा आपने हाथ में? व्हाइट विनेगर। ये है भाई व्हाइट विनेगर यानी कि सफेद सिरका। ये आसानी से शॉप पे मिल जाता है। आप वैसे पनीर दही से भी फाड़ सकते हो मम्मी, टाटरी से भी, नींबू से भी फाड़ सकते हो। लेकिन जो विनेगर का पनीर है ना भाई, वो बहुत सॉफ्ट रहता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इसका ही सबसे अच्छा लगता है। हाँ तो ये आप सॉफ्ट बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ, तो ये आप कैसे? इसको धीरे धीरे डालो, धीरे धीरे डालो, एकदम नहीं डालते उससे थोड़ा। मम्मी ने लिया है भाई एक गिलास पानी और डेढ़ चम्मच, डेढ़ चम्मच ढक्कन, डेढ़ ढक्कन इसी का, इसमें विनेगर मिक्स कर लिया। और अब धीरे धीरे मम्मी दूध में डाल रही है भाई, यानी कि एक गिलास पानी, उसमें डेढ़ ढक्कन विनेगर और थोड़ा थोड़ा फटना। हाँ शुरू हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। और ऐसे देखिए मम्मी धीरे धीरे डालती रहेंगी, ऐसे ही डालना है आपको भी। ये बिल्कुल इजी वे है भाई। और इससे पनीर सॉफ्ट बहुत ज्यादा होगा। हाँ इससे पनीर काफी सॉफ्ट बनता है। कई बार ये होता है ना कि पनीर टाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। घर के पनीर की तो बात ही अलग है भाई। ज्यादा जल्दी जल्दी मत घुमाना ये डालने के बाद, धीरे धीरे थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा ये काम, धैर्य रखना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है देर से फटेगा लेकिन फटेगा जरूर। हाँ तो भाई देखिए बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा कि फटना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। तो आप थोड़ा थोड़ा रोक रोक के डाल रहे हो मम्मी इसे? हाँ। हाँ तो एक ही बार सारा नहीं डाल रहे भाई, देख लो मम्मी। तो डालती नहीं एक ही बार। हाँ थोड़ा थोड़ा रुक के डाल रहे हैं। इसको फटने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फटेगा जरूर। तो ये देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है भाई, आप ये मत सोचना कि भाई 2-3 मिनट हो गई कि फटा क्यों नहीं। धीरे धीरे चलाए जाओ बस, धीरे धीरे बस चलाते रहना। आपको 15 मिनट लगेगी आपको कम से कम। अब ये देखो दूध अलग बिल्कुल, ये पानी हो गया। हाँ ये देखिए दूध बिल्कुल वाइट नहीं है, अब पानी जैसा हो गया है और पनीर अलग हो गया है। और इस पानी को भी फेंकने की जरूरत नहीं है। हाँ इस पानी को भी फेंकने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि पानी भी काफी हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। पी लो थोड़ा। हाँ। आटा बना लो, सब्जी में डाल लो, दाल वगैरह जो भी हो। हाँ। देखो बिल्कुल एकदम पनीर अलग और पानी अलग, देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया हो गया। तो अब इसके बाद देखिए अभी आगे का
साफ कपड़ा वो व्हाइट वाला एक भाई ले लेंगे साफ कपड़ा प्रयोग तो इसको और छान लो इसमें चाहो तो गर्म पानी मैं धो लो थोड़ा बहुत अगर मन हो तो ठंडे में नहीं धोना बिल्कुल भी अच्छा तो इसे ठंडे में नहीं धोना है नहीं टाइट हो जाएगा अच्छा ये एक स्पेशल हाँ भाई इसकी स्पेशल बात है कि इसे ठंडे पानी में नहीं धोना है भाई अगर धोना चाहो तो गर्म में धो लो नहीं तो कोई जरूरत है नहीं जरूरत नहीं है चलो ठीक है भाई अब दबा देंगे हम तो वैसे लटका दें इसको थोड़ी देर अगर आप चाहो तो भाई लटका लो इसे और अगर आप चाहो तो इसे किसी हैवी सी चीज के नीचे दबा के दबाना तो पड़ेगा हाँ दबाना तो पड़ेगा ही गांव में तो मैंने ज्यादातर देखा अभी लटका देते हैं हाँ लटका देते हैं अब हमारा इसका मेथड है एक प्लेट रखो और इस पर रख देती हूँ मैं ये चकला और इस पर रख देती हूँ अपना पनीर और मेरा पनीर बनेगा बिल्कुल स्पेशल और ये कितनी देर तक रखना है मम्मी थोड़ी सी देर बस थोड़ी यानी कि टाइम 5 से 10 मिनट हाँ ठीक है भाई तो 5 से 10 मिनट भाई अब इसके ऊपर वजन रखना पड़ेगा इसके ऊपर कुछ वजन रखना पड़ेगा भाई ये पानी आ गया है भाई मम्मी उठा लाए हैं अपना देसी जुगाड़ वजन का मम्मी ने रख लिया भाई अपनी कुंडी चलो सही है तो अब भाई हमारा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास पनीर बन के रेडी हो जाएगा ये देखिए कितना वेट आ गया तो ये ऐसे एकदम बढ़िया से सेट हो जाएगा बिल्कुल चलो बढ़िया है तो भाई अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको कि कैसा दिखता है ये यहाँ पे इसको टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट ज्यादा रखोगे ना भाई तो ज्यादा सूख जाएगा है ना मम्मी हाँ। तो इसका जो सॉफ्टनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी हाँ। तो ज्यादा देर नहीं रखना है इसे ऐसे हाँ, मैं तो बस 5 मिनट क्योंकि हम तो जल्दी यूज कर ले हाँ मम्मी सिर्फ 5 मिनट रखेंगे उधर भाई पानी जो कि प्रोटीन है प्रॉपर है ना उसे भी किसी भी चीज में यूज कर लो फेंकना नहीं चाहिए आटा बना लो सब्जी में जो पानी यूज करते हो उसकी जगह ले लो और अपना पी लो जिम वाले बताते हैं ना वे प्रोटीन वे प्रोटीन ये वो है भाई वे प्रोटीन मतलब ये इसे सुखा के मशीन में और उसे पाउडर फॉर्म में बना देते हैं नहीं ये हाँ अलग तरह का प्रोटीन है हाँ चलो भाई ये हो गई है 10 मिनट भी नहीं 5 मिनट में ही ले लिया मम्मी ने तो और ये देखिए अब देखते हैं इसकी क्या शेप बन के निकलती है क्या ये कंडीशन है इसकी क्या कंडीशन है टेस्ट करके भी देखेंगे देखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया वाओ भाई एकदम फर्स्ट क्लास देखो कितना सॉफ्ट है कितना सॉफ्ट है ये देखो ये एकदम मलाई की तरह बिल्कुल स्पंजी और बेहद टेस्टी बहुत ही टेस्टी भाई एकदम बढ़िया कट करके जब तो आप भी दिखाना हाँ तो आप भी भाई अपना घर पे ट्राई करके देख लेना भाई बहुत टेस्टी लगता है हाँ, बहुत टेस्टी होता है अगर घर का खाओगे ना फिर बाहर का नहीं खाओगे बिल्कुल भी टाइम भी तो कुछ नहीं लगता कुछ भी टाइम नहीं लगता और टेस्टी बेहद है एकदम बढ़िया मजेदार चलो पनीर भी ज्यादा निकलता है बिल्कुल भाई तो चलो भाई आप भी जरूर करना ट्राई घर पे आप देते हैं आनंद जी को देखिए आपको भी दिखाई दे रहा होगा कितना स्पंजी है अच्छा अभी कट करके भी दिखाएंगे भाई आपको तो भैया आज की वीडियो में आगे कुछ और भी स्पेशल दिखने वाला है कुछ गेस्ट जो कि बहुत ही स्पेशल थे हमारे लिए और हम भी उनसे पहली बार मिले थे वो भी हमसे पहली बार मिले थे तो भाई उनके बारे में एक खासियत ये है कि वे मणिपुर से थे भाई तो उन्हें कुछ यहाँ पर काम था किसी की हेल्प चाहिए थी तो पापा जी ने उनकी हेल्प की और फिर उन्हें घर पे लाए लेकिन वो मान नहीं रहे थे घर पे क्योंकि भाई मणिपुर साइड है अपने दिल्ली और यूपी वालों से थोड़ा सा
घबराते हैं कि भाई हम किसी के घर में ना जाए, लेकिन जब वे घर में आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फील हुआ। बाकी आप सब वीडियो में जरूर देखना और काफ़ी मजे आने वाले हैं। तो बाय फ्रेंड्स, नहीं बाय नहीं, देखिए और लास्ट तक देखिए वीडियो को, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर। तो भाई जो मम्मी ने पनीर निकाला था घर पे स्पेशल, तो हम मेहमानों के लिए बना रहे हैं पनीर की भुर्जी। तो मैंने ये भाई रेडी कर दिया है छोक उसका, तो अब उसमें मैं भाई ये जो मम्मी द्वारा बनाया गया पनीर है घर पे निकाला गया है वो डाला है। ये देखिए मैंने कुछ पनीर थोड़ा क्रश करके डाला है, कुछ पीसीज है, और ये मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है इसमें, वो मेल्ट हो रही है तो कितनी अच्छी लग रही है। तो काफ़ी मज़ेदार सब्जी बनी, और आई होप आप भी ज़रूर ट्राई करोगे घर पे, एक बार ज़रूर बना के देखना। और भाई विनेगर की मात्रा अपने दूध के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना, क्योंकि विनेगर अगर कम डालोगे तो दूध फटेगा नहीं। तो विनेगर कम से कम 2 से 3 ढक्कन तो होने चाहिए 2 किलो दूध में। तो चलिए, तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो ये देखिए भाई हमारे गेस्ट। हेलो, आप अपना नाम तो बताओ। माय नेम इज निगुम्बा। सियोम्बा मेरी तो नहीं आया भाई सर। निगुम्बा। 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 और आपका? ओलिविया। आज घर पे आए थे एज ए गेस्ट, और अब जा रहे हैं, इनके जाने का टाइम हो गया है। तो काफी अच्छा लगा हम सबको, काफी इंजॉय किया हम सब ने। और बताइए ये सब मिलके बहुत एंजॉय किया मैं, और अंकल ने भी बहुत मदद किया मेरा काम की। They are very hospitable. I love the family. We're totally in love. Yeah, we are very grateful that we've we'll made this we will keep on narrating the beauty of this house to everyone we meet, to friends and colleagues. Oh, thank you. Good people still like this. तो चलो भाई, अतिथि देवो भाव, ये तो अपने देश की भाई एक परंपरा है भाई। तो चलिए अब भाई चलने का टाइम हो गया है, और इनसे जो भी बातें हुई वो अब आगे व्लॉग में आएंगी। तो चलो भाई बाय बाय। हाँ, मणिपुर जरूर आएंगे। चलो तो ये भाई मम्मी ये भी सब बाय बाय कर रहे हैं। खाना चल रहा है। हेलो निगम्बो। हाय। ये फ्रेंड है। हाय। इसका नाम है शिवोली। शिवोली। हाँ। चलो आप जब तक खाना खाओ, और ये पापा का खाना रखा है, अभी पापा जी आए नहीं है, ये पीयू खा रही है अपनी दीदी के साथ खाना। ज्योति उधर लगी हुई है खाने में। काफी अच्छा लग रहा है। पापा जी प्लेट में, मम्मी ने अभी पुरु को लिया हुआ है, और ये देखो चिप्स लेके भाग रही है। चिप्स दे दो मुझे भी। खिला दो दीदी को, मम्मा को खिला दो, मम्मा को दीदी कह रो में भी। कहाँ गई? चुप्पी चुप्पी। नमक लगा। हाँ। बहुत अच्छा बना रहे हैं। अच्छा लगा? हमारा भाषा में कुछ बोलो। हाँ। हाय। कोई हो जाओ यार, कौन है जिधर? साक्षार का सालों ने साक्षार एक बजे आया साइड आती हो क्योंकि फल मैं हम लोग कितने होंगे थे वीडियो नंबर हो जाए कहाँ पहुँचा रहे चाहे कौन जाए सीधे हॉस्पिटल ही थी कि हम लोग ना का नाम तो देखने थे कि मैं दोस्त मान जाए मैं जैसे सीमा में हम लोग जाए गए थे तो जिसका सवाल है हम लोग हाइनिंग आए क्या बोल रहा था मैं बोल रहा कि पहले मैं वीडियो बनाने के लिए आया था तो आरटीओ के चक्कर में सब खराब हो गया तो इसके बारे में बाद में बता दूंगा लेकिन हम जाने के लिए सोच रहा था वापस आके लेकिन ये आप अंकल वगैरह ने मना किया खाना खा के जाने के लिए बोला
तो ये वाला हॉस्पिटैलिटी कभी भी नहीं मिला, बाद में भी नहीं मिलेगा शायद। तो अगर दुनिया ऐसा ही बनते रहते हैं तो सब ठीक हो जाएगा ऐसा ही बोला।